आ गया, भाइयों बहनों आ गया, पंचायत चुनाव का मौसम आ गया, पंचायत चुनाव आया है आपके लिए गांव की सरकार बनाने के लिए। नमस्ते भारत, मैं श्रुति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आंखों देखी। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। इसी दौर में आज हमारी टीम आ पहुंची है ग्राम पंचायत कंछियामा प्रखंड नगर नौसा जिला नालंदा, जहां पे हमारे रिपोर्टर ने वहां के आम नागरिक से बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि वहां पे कितना विकास हुआ है। और कहीं ना कहीं उनसे बात करके हमें ये पता चलता है कि वहां के नागरिक वहां के मुखिया से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकारी योजनाओं में लगातार वहां पे लापरवाही की जा रही है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्टिंग हमारे रिपोर्टर मुकेश मानस के साथ। नमस्कार, मैं मुकेश मानस, आंखों देखी सच्चाई की तस्वीर। मैं दिखा रहा हूँ 5 साल बना पंचायत राज विकास की तस्वीर। ये यहाँ का विकास बया कर रहा है, अभी तक ग्रामीणों के लिए आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। और ऐसे में मैं बताऊं कि पहले चरण के चुनाव में 100 में 80 मुखिया चुनाव हार चुके हैं। हमारे जनता ने उन्हें कबूल नहीं किया और उन्हें बदल कर नए चेहरे को लाए हैं। हम जानेंगे कि कचहरिया कछियामा पंचायत में भी क्या बदलाव होगा, या बदलाव का ब्याह बह चुका है और क्या विकास रही और क्या विकास होना है। सारी जानकारी अपने श्रोता दर्शकों को देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? राम प्रताप शर्मा। आपको लगता है कि ग्राम पंचायत का विकास पूरा हुआ है? ग्राम पंचायत का विकास थोड़ा हुआ है जी जी, लेकिन पूरा विकास तो नहीं हुआ है। बच्चों को पढ़ने आने जाने में देख रहे हैं, आंखों देखा सामने क्या हाल है जी जी। उधर खार होल है, वो भी नहीं भरा पाया है जी। किसानों को बहुत दिक्कत उससे भी है, हम लोग का आने जाने में लेटरिन वगैरह के लिए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी सच्चाई की तस्वीर। ग्राम पंचायत कछियामा में हूँ और मैं बताऊंगा 5 साल बना पंचायती राज का विकास किस तरह से विकास को यहाँ पे धत्ता बताया गया है, और विकास के साथ बहुत सारा छेड़छाड़ भी हुआ है। मैं बात करूं 7 निश्चय योजना का, तो यहाँ पे बिल्कुल इस गांव में अछूता है, विकास के नाम पे 0 है। क्या कहती है जनता इसके बारे में, मैं अपने दर्शकों को यहाँ के मतदाता जो जनता है उनसे मैं रूबरू कराऊंगा। क्या लग रहा है विकास के बारे में? 7 निश्चय में तो काम कुछ क्वालिटी ठीक नहीं है। आपको लग रहा है कि 7 निश्चय में जो जो योजना लागू है वो पूर्ण किया गया है आपके पंचायत में? कहाँ ही देखिए ना भाई, बुर रहे ढलैया हुआ, पूर्ण तो कुछ किया है जी जी, अधूरा भी पड़ा। मनरेगा के तहत हमको ये बताएंगे कि इस गांव में कितने मजदूर जुड़ पाए हैं अभी तक? ये तो लूट हो रहा है, मेरा तो लूट का खजाना है। फोकस पेमेंट, लेबर के खाता, गलत दुरुपयोग उपयोग हुआ जी जी। आगे हमें ये बताएंगे कि आपके यहाँ कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत मृत हो जाने पे उस परिवार को उसका लाभ मिलता है? 3,000 मिलता है। इसके बारे में लोग से पूछ, इसकी जानकारी आपके पास शायद नहीं है। रेडी। आप देख रहे हैं इस पंचायत में हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं और विकास की कहानी अपने युवा से बयां कर भी रही हैं। कितना विकास हो पाया चाची? हम विकास के बाद कुछ नहीं करते हैं। मेरा इतना रोड है, गली है, जो तो बनवे नहीं कहे हम मुखिया से जी। आपको लग रहा है महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आपके मुखिया द्वारा कार्य किया गया है? हाँ
हमको कोई कर्ज नहीं किया गया। मुखिया से बिल्कुल आप ना खुश दिख रहे हैं। हाँ ना खुश हूँ।